इंडिया की सबसे कम सीसी की फुल्ली फेयर्ड फुल्ली रेसिंग स्पेक बाइक यानी कि KTM RC125 का आज मैं आप लोगों को BS6 2020 मॉडल दिखा रहा हूं। और दोस्तों आप ये मॉडल देख सकते हैं कि किस तरह से ये मॉडल सारे एंगल से लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। एंड अगर आप पहली बार ये चैनल में हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारे सारे नोटिफिकेशंस और लेटेस्ट कंटेंट के साथ सबसे पहले बने रहे। और दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ KTM हावड़ा में, जिनके शोरूम के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो ऑन रोड प्राइस और EMI स्कीम्स जानने के लिए उस नंबर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहेगा। और मेरा इंस्टाग्राम ID भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां जाके भी मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप अगर मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो पहले से लगभग 7,000 से 7,500 रुपये इंक्रीज हुआ है नए BS6 मॉडल में। और ये BS6 मॉडल में कलर्स और इंजन के अलावा और कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये BS6 मॉडल में नए कलर स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया गया है और इंजन अब जो पहले BS4 कंप्लायंट था उसको BS6 बना दिया गया है बिना किसी और मेजर चेंजेस के। तो यही दोस्तों लगभग दो चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साइड की अब फुल्ली फेयरिंग की अगर बात करें तो फेयरिंग में आप देख पाएंगे कि नए कलर्स, ग्राफिक्स और बॉडी डिकल्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि बाइक को एक थोड़ा सा और मॉडर्न और न्यू लुक, फ्रेश लुक दे रहा है। और इंजन में पावर और टॉर्क की यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है, क्योंकि पावर और टॉर्क यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज अगर हो जाता तो अच्छा होता। वैसे दोस्तों इंजन की अगर हम बात करें तो पहले जैसे ये सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 125cc का इंजन है, जिसमें 6 गियर्स का सेटअप बना हुआ है। और इसमें पावर आपको मिलेगा 14.5 PS, टॉर्क मिलेगा 12 Nm। और यहाँ पे BS6 कंप्लायंस आपको मिलेगा, यानी कि पहले से काफ़ी कम पोल्यूशन ये जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी मेजर और अपडेट्स आपको इंजन में नहीं हुआ है। और दोस्तों आप देख पाएंगे फुल्ली ये स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम के साथ आता है, जो कि लगभग आपको सारे हायर सीसी रेसिंग बाइक्स में मिल जाएगा। और BS6 की यहाँ पे बैजिंग आपको इंजन के ऊपर एक स्टिकर आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों ये फुल्ली फेयर्ड बाइक है, तो इसीलिए मैं आपको कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये BS6 इंजन है तो ये बात आपने जान लिया। वैसे अगर हम बात करें तो और भी यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें फ्रंट पोर्शन की तो फ्रंट में आपको ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा LED DRLs के साथ। और फुल्ली एक रेसिंग स्पेक बाइक होने के वजह से इसमें जो सीटिंग पोजीशन है ये बहुत ही स्पोर्टी और फ्रंट बायस्ड आपको सीटिंग पोजीशन मिलेगा। बड़ा सा आपको विंडशील्ड मिलेगा, जो कि हाईवेज में विंड ब्लास्ट से काफ़ी आपको रोक देता है। और आपको अलॉय फिनिश्ड वाइजर माउंटेड मिरर्स मिल जाएगा, और मिरर्स पर आपको ये आप देख सकेंगे कि इंडिकेटर्स माउंटेड मिलेगा, जो कि फुल्ली LEDs है। और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मिरर्स है। और हेडलाइट विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 55x60W का यहाँ पे DC कनेक्शन यूज़ किया गया है, और बहुत ही बढ़िया सा हेडलैम्प सेटअप आपको मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें हैंडल बार की तो फुल्ली यहाँ पे 3-piece क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार से, और बैकलिट स्विच गियर आपको मिल जाता है जैसे कि बजाज की गाड़ियों में मिलता है। आते हैं मीटर कंसोल पर, तो मीटर कंसोल भी बिल्कुल ही पहले जैसा ही सेम रखा गया है। इसमें आपको सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि आपका स्पीड आप देख पाएंगे, 2 trip meters मिलेगा, ओडोमीटर मिलेगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM मीटर, इंजन टेम्परेचर, लो फ्यूल, लो इंजन ऑयल और फ्यूल इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल माइलेज, इंस्टेंट माइलेज, टाइम फॉर trip 1, टाइम फॉर trip 2, सर्विस रिमाइंडर और रेंज, यानी कि कितने किलोमीटर्स आप रिमेनिंग फ्यूल में जा सकते हैं, और एवरेज स्पीड, ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फुल्ली लोडेड इन्फॉर्मेशन क्लस्टर हमेशा से ही KTM में आता था, अभी भी आता है। और इसी के साथ साथ आपको इंजन मैलफंक्शन लाइट, सर्विस रिमाइंडर, न्यूट्रल, RPM लिमिट इंडिकेटर, ABS लाइट और साइड स्टैंड इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्लॉक भी यहाँ पे मिल जाता है। वैसे दोस्तों काफ़ी दिनों से ये मीटर कंसोल चलता आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी इसमें थोड़ा सा छोटे मोटे चेंजेस होनी चाहिए। काफ़ी दिनों से यही चलता आ रहा है, फिर भी सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। पीछे की अगर हम टेल लैम्प क्लस्टर की बात करें तो पीछे आपको फुल्ली LED यूनिट जो पहले मिलता था वही अभी भी मिलता है, और इसकी भी विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। पीछे की तरफ आपको वही LED इंडिकेटर्स जो कि ड्यूक बाइक्स में भी आता है वो मिल जाएगा। RC 125 का बैजिंग मिलेगा और एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा।
और यहाँ पे अगर हम साइड की फेयरिंग की बात करें तो फेयरिंग यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है। स्टाइलिंग की अगर बात करें तो आरसी बाइक हमेशा से ही स्टाइलिंग में सबसे आगे था, आज भी है, और इसमें आपको बहुत ही बड़े बड़े फॉन्ट्स और स्टिकर्स में आरसी 125 और KTM रेस कंपटीशन ऐसे कई सारे स्टिकर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्टिकर्स की अगर क्वालिटी की बात करें वो भी बहुत ही बढ़िया है। 9.5 लीटर्स का आपको यहाँ पे एक टैंक मिल जाता है जो कि मेरे ख्याल से एडिक्वेट है रेसिंग स्पेक बाइक के लिए। और सीटिंग की अगर बात करें दोस्तों, सीटिंग यहाँ पे राइडर के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन वैसे ये पिलियन के लिए बिल्कुल ही नहीं है। पिलियन जो सीट है ये बेसिकली यहाँ पे एक नाम का ही सीट दिया गया है। सीट हाइट की अगर बात करें दोस्तों तो 835 mm का है, जो कि लगभग 5'10" या फिर उसके ऊपर के जो राइडर्स हैं उनके लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि लंबे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। पीछे की सीट आप देख सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट अगर कोई पिलियन हो तो शायद यहाँ पे बैठ जाए, लेकिन कोई भी यहाँ पे और पिलियन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। पीछे की सीट बस यहाँ पे देने के लिए ही दिया गया है। रेसिंग स्पेक गाड़ी है तो सिंगल चलाने का ही आपको यहाँ पे चांस मिलेगा, सिंगल ही चलाइए आप इसको। और क्वालिटी मटेरियल की अगर बात करें तो आरसी की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगा, फ्यूल टैंक लिड आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे मिल जाता है, मस्कुलर बाइक यहाँ पे बन जाता है ये। और इसमें एक्सट्रीम चेन, ट्रेलिस फ्रेम और क्रॉस ब्रेकिंग का भी सुविधा आपको मिल जाएगा। दोस्तों आगे की तरफ आपको WP की तरफ से एक USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलेगा, जो कि 43 mm का मोटे सस्पेंशन है। और पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिलेगा WP की तरफ से ही, जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस ब्रांड है सस्पेंशन बनाने के लिए। 10 टाइम्स एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा। दोस्तों RC 125 में पहले जैसा ही सिंगल चैनल ABS यूनिट आता है और पीछे की तरफ आपको RLP मिलता है। टायर्स और ब्रेकिंग की अगर बात करें तो दोनों ही तरफ आपको 17 इंचेस के रेडियल ट्यूबलेस टायर्स आता है MRF की तरफ से। आगे की तरफ आपको 110/70 साइज का टायर आएगा और इसमें ऑरेंज कलर के अलॉयज यूज़ किए गए हैं और बिल्कुल ही रोड पैटर्न के यहाँ पे टायर ग्रिप्स बना हुआ है। और ब्रेकिंग की अगर बात करें तो आगे की तरफ 4 पिस्टन कैलिपर वाला 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, पीछे मिलेगा 230 mm का डिस्क ब्रेक। और इसमें ABS जैसा सेंसर जो बना है, ये दरअसल RLP सेंसर है जो कि स्पीड सेंसर है और ABS को बेटर तरीके से काम करने में मदद करता है और रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन दे देता है, यानी कि RLP। पीछे की तरफ बहुत ही चौड़े 150/60 साइज का रेडियल ट्यूबलेस टायर्स यूज़ किए गए हैं। MRF रेवजी के टायर्स है जो कि क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी रेडियल टायर्स में आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। पीछे आपको टायर हगर मिल जाएगा स्प्लिट टाइप का और इसमें आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है वेट रिडक्शन और बेटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अटेंड करने के लिए। दोस्तों इसमें आपको एक्सट्रिंग चेन, लार्जर स्प्रॉकेट, ऐसे कई सारे जो नेसेसरी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स बाइक में होने के लिए, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 157 mm का आता है और जो वेट है कर्ब वेट ये 154 kgs का है। और दोस्तों यहाँ पे जो माइलेज है ये पहले जैसा ही अराउंड 40-45 आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप एक डिसेंट तरीके से राइड करें तो। टॉप स्पीड के मामले में लगभग यहाँ पे 100 से लेकर 110 तक आपको इजीली यहाँ पे टॉप स्पीड आप अटेंड कर पाएंगे। अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो 1.59 lakhs एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता में ये बाइक आता है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बाइक की जो प्राइस है ये थोड़ा सा कम हो सकता था, या फिर इसका इंजन का जो पावर है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था, या फिर कुछ और फीचर्स यहाँ पे ऐड किया जा सकता था। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राइड सेफ।